हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में, एसपी लव ब्लॉग। तो गाइस, आज सुजीत ने मुझे चैलेंज किया है कि तुम ब्लॉग नहीं बना सकती, तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ और दिखाती हूँ इनको भी चैलेंज पूरा करके कि मैं ब्लॉग बना सकती हूँ या नहीं। तो गाइस, आज हम इंडिया गेट आए हैं, तो चलो आप लोगों को इंडिया गेट दिखाते हैं, उनका क्या व्यू है क्या नहीं। तो अंदर चलते हैं इंडिया गेट पर, चलो आ जाओ। तो गाइस, हम इंडिया गेट के सामने पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भगड़ मच रही है। तो हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो गाइस, आप लोग इंडिया गेट का व्यू देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से है और इसे दिल्ली गेट भी बोला जाता है। दिल्ली का गेट जो कि बहुत बड़ा गेट है ये इंडिया का, इसीलिए इसे इंडिया गेट और दिल्ली गेट दो। तो गाइस, आपको हमने अभी फ्रंट से दिखाया इंडिया गेट, अब बैक से दिखाएंगे कैसा दिखता है, आइए चलिए। तो गाइस, हम इंडिया गेट के बैक पे पहुंच चुके हैं और आप व्यू देख सकते हो, जैसा फ्रंट में है वैसा ही बैक में है। और आप सामने देख सकते हो राष्ट्रपति भवन बिल्कुल सामने ही है, इंडिया गेट के सामने ही, बैक से दिखता है बिल्कुल सामने। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हो, सुभाष चंद्र जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये बनाया गया है। काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये चीज़, काफ़ी यूनिक सा दिख रहा है ये। तो चलो गाइस, आगे चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। आप लोग देख सकते हो बहुत ही प्यारा नज़ारा है, और ये जो इंडिया गेट है बहुत ही फेमस है हमारे दिल्ली का, इसलिए इसे दिल्ली गेट भी बोला जाता है। भारत का बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग भी आते हैं, विजिट करते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम है, तो आप लोगों को म्यूज़ियम के अंदर लेके चलते हैं, चलो आगे देखते हैं। सो गाइस, आप लोग ये देख सकते हो यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है म्यूज़ियम के बाहर का। तो हम अभी फ़िलहाल बैग वैग चेक करा के अंदर चलते हैं, यहाँ से चेकिंग वगैरह होके, तो चलो आ जाओ। तो गाइस, हम म्यूज़ियम के बाहर पहुंच चुके हैं, अब ग्राउंड में अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको म्यूज़ियम, आ जाइए। तो गाइस, आप लोग ये देख सकते हो म्यूज़ियम के अंदर जाते ही फ्लावर वगैरह सजा रखे हैं, हर जगह गार्डनिंग कर रहे हैं, इसीलिए सॉन्ग चल रहा है अंदर, और ये सुजीत डांस करते हुए जा रहे हैं। काफ़ी क्लीनिंग का ध्यान रखा गया है यहाँ। मैंने सो गाइस, मैं बता रहा हूँ, मैंने आज पारो को चैलेंज किया जो तुम ब्लॉगिंग कर सकती हो कि नहीं, तो वही आज करके दिखा रही है। और ये वीडियो जब डलेगी यूट्यूब पे तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ओके गाइस, यहाँ पे काफ़ी क्लीनिंग का भी ध्यान रखा गया है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्लीन दिख रहा है यहाँ पर, और चेकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो गाइस, अंदर हम म्यूज़ियम में चलते हैं, अब अंदर दिखाते हैं आपको म्यूज़ियम में क्या क्या है। तो गाइस, ज्योत है और उनके जस्ट बगल में हमारे देश के जवान खड़े हैं जो कि बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, उनकी वजह से ही हम सेफ रहते हैं और खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता पाते हैं। तो सल्यूट है इन जवानों को हमारी तरफ से। सो गाइस, हम म्यूज़ियम में पहुंच चुके हैं और म्यूज़ियम में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान और चीन भारत में लड़ाइयाँ जो हुई है, उसी के बारे में सारी पोस्टर लगाई गई है और जानकारी दी गई है। आप लोग वीडियो में देख लो क्या क्या जानकारियाँ हैं, हम वीडियो बना के पूरा डालें, आप चाहो तो रोक के भी पढ़ सकते हो सारा। ओके गाइस, तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आगे मैं ब्लॉगिंग करूं या ना करूं, क्योंकि मुझे सुजीत ने चैलेंज किया था ब्लॉगिंग के लिए, तो आज मेरा चैलेंज ब्लॉग मैंने बनाया है। तो आप लोग मुझे बताइए, सुजीत से मैंने बेटर किया है या फिर उनसे भी ख़राब किया है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने वीडियो कैसा बनाया है और ब्लॉग में मतलब क्या क्या मिस्टेक वगैरह है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आगे से मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगी। ओके गाइस,
ये जवान शहीदों के याद में बनाया गया था। ये जितने भी जवान शहीद हुए थे उन सभी के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो भागीदारी किए थे जवानों ने, उन्हीं के याद में ये बनाया गया है। और उन सभी का नाम है, जो भी शहीद हुए हैं इसमें जवान, उन सभी को नाम वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर आप लोग इन सभी के नाम डिटेल से जानना चाहते हो तो एक बार इंडिया गेट आइए, और इंडिया गेट में आके सभी के नाम आप डिटेल से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मैं सभी के नाम इतना वीडियो में नहीं डाल सकती पूरे, मतलब ये म्यूज़ियम जो है पूरा गोल है और पूरे गोलाई में ये नाम वगैरह लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग आके देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ओके गाइस, और दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये पार्क 1961 और 1971 के बीच में जो भी मतलब शहीद हुए थे सिपाही, उनके याद में यहाँ पे उनकी मूर्तियाँ बनाई गई है और उनके बारे में जानकारी वगैरह दी गई है। और यहाँ पे रोज़ के फ्लावर वगैरह भी लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा और शांत माहौल भी है यहाँ पे। ये नया पार्क है, आप लोग, मुझे लगता नहीं है कि आप लोग गए होंगे। तो इंडिया गेट आप जब भी जाओगे तो एक बार इस पार्क में जाइएगा और सभी की मूर्तियाँ वगैरह देख सकते हैं आप। ओके गाइस, तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने वीडियो कैसा बनाया है। ये मेरा चैलेंजिंग वीडियो है, तो गाइस आप लोग, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैंने चैलेंज में ये ब्लॉग बनाया है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएँ कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और कैसा नहीं। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट करें कि आप, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से अच्छा कर सकूँ। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।